मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने घर में खुद ही आग लगा ली। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महिला के पति से विवाद चल रहा था। उसका आरोप है कि पति किसी और महिला के साथ रहता है, उसे घर का खर्च भी नहीं दे रहा। आज बहुत परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड में रहने वाली सारिका अपने पति अंशु के साथ रहती है। उसका आरोप है कि उसका पति किसी और महिला के साथ रहता है। एक हफ्ते से घर भी नहीं आया है। उसका घर चलाना मुश्किल हो गया था। यही नहीं, बच्चों की फीस भी नहीं जमा होने से स्कूल वाले भी उस पर दबाव बना रहे थे, जिस कारण परेशानी में उसने आज अपने ही घर में आग लगा ली। आग की सूचना पड़ोसी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक पति को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। वहाँ पे भी उन्होंने भी कुछ नहीं करा। कल मेरे हस्बैंड आया फिर चला गया। कब तक मैं बच्चों को ऐसे पालती रहूंगी बताइए? कब तक दूध के लिए परेशान होते हैं, खर्चे के लिए परेशान होते हैं। मेरा बच्चा स्कूल में फीस के लिए बार बार बोल रहे हैं इसको। तो आज क्या कोई झगड़ा हुआ था जिस वजह से आग लगी? झगड़ा तो है ही नहीं। यहाँ पे एक कर्जदार भेज दिया उसने वहाँ पे इलाहाबाद बैंक है, जबकि कोई कर्जा नहीं है। मैंने 2 साल पहले लोन लिया था तो उस 50,000 का लोन में चुका नहीं पाई थी क्योंकि मेरा पार्लर बंद हो गया था। मैंने पार्लर बंद कर दिया था। उसके बाद आज कर्दास वाले आ गए कि तुमने लोन नहीं चुकाया एवं, और जबकि वो 2-3 महीने पहले चूक चुका है। मेरे हस्बैंड ने खुद भरा था। आज इसकी साजिश है मेरे पास कर्दार को भेजने की। अच्छा, हस्बैंड आपके आपके साथ रहते हैं? नहीं रहे, वही तो नहीं है इसलिए तो। कितने टाइम मेरे ससुर को तो कोई भी खाना दे जाता है, मेरे बच्चे को कौन दे जाएगा? मेरी मम्मी कब तक कर लेंगी ये बताइए? परेशान हो चुकी हूँ मैं, पागल हो चुकी हूँ। चक्कर लगाते लगाते पुलिस थानों के, कभी मारता है, कभी पीटता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया? कार्रवाई की थी, बुलाया था, बंद करा था, उसके बाद छोड़ दिया। फिर हम छुड़ा के लाए, थाने से भाग गया। फिर उसके बाद घर नहीं आया। एक हफ्ते बाद आया। एक हफ्ते बाद आने के बाद कहने फिर कल फिर आया। कल मेरे ससुर ने बोला परसों मैंने उनको ना चोट पहुंचा दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने आप चोट मारी, मेरा नाम लगा दिया। मैं पुलिस थाने गई, मैटर सॉर्ट आउट हो गया। फिर यहाँ पे आया कल अपनी बहन के साथ। बहन आई साथ में, उन्होंने कहा कि इसको बेदखल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बताने क्या बातें करके ये लोग सब चले गए, वो भी चला गया कि मैं आ रहा हूँ, फिर आया ही नहीं। मेरे बच्चे रोज रात को रोते हैं कि मम्मा डैडी को ले आओ, मम्मा डैडी को ले आओ। क्या करते हैं वो? क्या काम करते हैं वो? प्रॉपर्टी डीलिंग का। हमको अपने कंट्रोल रूम चाबी द्वारा सूचना मिली 11:52 पे कि एक मिशन कंपाउंड कमिश्नर साहब का जो कार्यालय है उसके पास में घर मार गई। तत्काल हमारी गाड़ी रवाना हुई और जो हमारी टीम वहाँ पर पहुंची उसमें लीडिंग फायरमैन प्रोमर संतोष की नेतृत्व में टीम गई। वहाँ पर देखा कि घर में आग लगी और उसका दरवाज़ा बंद था। बाद में उन्होंने दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद में आग बुझाई तथा फिर इसी दौरान जब आग बुझ गई तो लोगों से जानकारी करने पर उनको ये बताया गया कि ये ग्रह क्लेश की वजह से आग लगाई गई। और एक महिला थी, उसका नाम जो जानकारी उन्होंने किया सारिका मैसी बताया गया, उनके हस्बैंड एंड्रू मैसी। आपस में सुनने में आया कि जो ग्रह क्लेश की वजह से उन्होंने आग लगाई थी, पर वहाँ पर कोई ऐसी जनहानि नहीं है। और वहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो मौके पर थी और बाद अग्निशमन अधिकारी हमारी यूनिट हाई स्टेशन आ गई।